welcome to Thees Mein Thees, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. Ek aisa show jahan khabrein hongi fatafat, yani ek ke baad ek Thees khabrein. To intezaar kis baat ka? Let's take a look. Thees Mein Thees. रणबीर ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कटरीना के फैशन सेंस की फैशनिस्टा सोनम के साथ बराबरी की, लेकिन इस कंपैरिजन से शायद सोनम नहीं थी अम्यूज्ड। सोनम से एसोसिएटेड एक क्लोज सोर्स ने रिवील किया, दो सोनम फाइंड्स कटरीना क्वाइट स्टाइलिश, शी फील्स रणबीर इवन ट्राइंग टू कंपेयर हर एंड कटरीना इज वेरी सिली एंड रैंडम। सोनम फील्स दैट शी एंड कटरीना आर एट कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल्स एंड दैट शी हैज मोर नॉलेज इन द फैशन फील्ड दैन कटरीना एवर हैड। कटरीना करीना के बीच नहीं रह गया पहले की तरह इक्वेशन। कटरीना के रणबीर से ब्रेकअप के बाद ये दोनों बीटाउन ब्यूटीज एक दूसरे को पूरी तरह से अवॉइड करती नजर आई हैं। कहा जा रहा है कि हाल ही में मुंबई के महबूब स्टूडियो में आसपास शूटिंग करने के बावजूद करीना और कटरीना ने एक दूसरे से हेलो तक नहीं किया, जबकि कुछ समय पहले तक कटरीना करीना एक दूसरे के साथ कॉर्डियल थी। कृति सुशांत की फिल्म राब्ता बॉक्स ऑफिस पर भले ही नहीं चली, लेकिन इनकी दोस्ती अभी भी जारी है। कहा जा रहा है कि रिसेंटली कृति और उनकी सिस्टर को सुशांत स्पेशल डिनर डेट पर लेकर गए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ समय पहले कहा गया था कि कृति सुशांत के लिंकअप की न्यूज में दम नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म प्रमोशन के लिए है, लेकिन अभी भी इनका एक साथ दिखना कुछ और ही इशारा कर रहा है। तीस में तीस। SRK और अनुष्का ने अपनी फिल्म हैरी मेट सेजल का एक सॉन्ग लॉन्च किया फैंस की मौजूदगी में। SRK अनुष्का के इस सॉन्ग लॉन्च को काफी अच्छा रिस्पांस मिला। तीस में तीस। रणबीर के साथ काम करने के लिए दीपिका के पास नहीं है टाइम। सोर्सेस का कहना है कि हाल ही में रणबीर ने विधु विनोद चोपड़ा के साथ एक फिल्म साइन की है और इस फिल्म के लिए एक्ट्रेस के तौर पर दीपिका का नाम सामने आ रहा है, लेकिन सोर्सेस का कहना है कि दीपिका अपनी फिल्म को डेट्स ही नहीं दे रही हैं। तीस में तीस। रणबीर कपूर स्टारा संजय दत्त बायोपिक का रिलीज नहीं किया जाएगा पोस्टपोन। डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने कंफर्म किया कि कॉन्ट्ररी टू रूमर्स फिल्म की रिलीज डेट नहीं की जाएगी पुश और ये फिल्म मार्च 2018 में ही की जाएगी रिलीज। तीस में तीस। लेटर ऑन द शो, सलमान और शाहरुख किस फिल्म में करेंगे साथ डांस? SRK अपनी फिल्म के सॉन्ग लॉन्च के बाद अनुष्का को छोड़ने आए कार तक। दैट्स ऑल इस सॉन्ग लॉन्च पर लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, ऐसे में SRK खुद अनुष्का को छोड़ने उनकी कार तक आए। तीस में तीस। एक्ट्रेस कटरीना कैफ को रिसेंटली हमने स्पॉट किया उनके एक फोटोशूट के दौरान। कैट यहाँ नजर आई काफी अच्छे मूड में। कटरीना आजकल फिल्म जग्गा जासूस के प्रमोशन में बिजी है। तीस में तीस। हाल ही में दुबई में एक अवार्ड नाइट अटेंड करने गए रणबीर कटरीना ने एक दूसरे को इस इवेंट पर किया फुल ऑन अवॉइड। कहा जा रहा है यहाँ अवार्ड नाइट और प्रेस इंटरेक्शन के लिए तो ये दोनों साथ आए, लेकिन इसके बाद इन दोनों ही स्टार्स ने अपने स्टाफ के साथ किया टाइम स्पेंड। तीस में तीस। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम करने के लिए कोई भी बॉलीवुड एक्ट्रेस नहीं कह रही है हाँ। दरअसल सुशांत की इस फिल्म के लिए दिशा पाटनी से लेकर फातिमा सना शेख को अप्रोच किया गया था, लेकिन फिल्म में लीडिंग एक्ट्रेस का रोल सिर्फ 10 मिनट्स का होने की वजह से इन दोनों ही एक्ट्रेसेस ने इस फिल्म को करने से कर दिया है इनकार। तीस में तीस। सेंसर बोर्ड चीफ पहलाज निहलानी के 1 लाख वोट चैलेंज पर SRK ने फिर किया रिएक्ट। SRK ने यहाँ विटी अंदाज में कहा, जिन लोगों ने भी उनकी फिल्म को सपोर्ट किया है वो ये फिल्म देखने जरूर आए। मैं यही कहूँगा कि जैसे लोगों ने वोट किया वैसे लोग फिल्म देखने आ जाएं। तीस में तीस। क
क्या परिणीति चोपड़ा एक बिजनेसमैन को कर रही हैं डेट? सोर्सेज का कहना है कि परिणीति को पिछले कुछ दिनों में कई बार एक मिस्ट्री मैन के साथ स्पॉट किया गया है। इस मामले में जब हमने परिणीति की टीम से इस न्यूज़ पर उनका रिएक्शन जानने की कोशिश की तो उन्होंने इस पर हमें कोई जवाब नहीं दिया। 30 में 30। अनुष्का और वरुण एक साथ करेंगे सुई धागा मेड इन इंडिया में काम। इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे दम लगा के हाइशा फेम के शरत कटारिया। ये फिल्म अगले साल जनवरी में फ्लोर को करेगी हिट, साथ ही इसे नेक्स्ट ईयर गांधी जयंती पर किया जाएगा रिलीज। 30 में 30। कोरियोग्राफर और फिल्म मेकर अहमद खान के नए म्यूजिक वीडियो में एक बार फिर से साथ दिखाई देंगे सुशांत और कृति। सोर्सेस का कहना है कि इस वीडियो की शूटिंग मुंबई के एक स्टूडियो में की गई है पूरी। इस वीडियो में ये डुओ अपनी डांसिंग स्किल्स को फ्लॉन्ट करते आएंगे नजर, साथ ही इस वीडियो का लुक 90s के स्टाइल का होगा। 30 में 30। अक्षय अपनी अपकमिंग फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा को कर रहे हैं जमकर प्रमोट। फिल्म का कोई भी सॉन्ग रिलीज करने से पहले वो इसके लुक को सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को कर रहे हैं रिवील। इस फिल्म का एक और सॉन्ग होने वाला है रिलीज और इस बात को अक्षय ने अपने सोशल मीडिया के जरिए किया है रिवील। अक्षय ने अपने ट्विटर अकाउंट पर गाने के लुक को शेयर करते हुए लिखा है, केशव और जया की प्रेम कहानी में हुआ बखेड़ा। स्टे ट्यून्ड। 30 में 30। कंगना रनौत ने दिया अंकिता लोखंडे को बॉलीवुड में बिग ब्रेक। अंकिता नजर आएंगी कंगना की रानी लक्ष्मीबाई बायोपिक मणिकर्णिका में। अंकिता ने एक रीसेंट इंटरव्यू में किए अपने कैरेक्टर डिटेल्स शेयर। आई नेवर हर्ड ऑफ हर बिफोर, नॉट मेनी हैव, बट झलकारी बाई वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हीरोज ऑफ आर प्राउड हिस्ट्री। आई एम ऑनर्ड दैट आई विल बी टेलिंग हर स्टोरी टू द वर्ल्ड फाइटिंग अलोंग साइड कंगनाज रानी लक्ष्मीबाई। 30 में 30। कुछ दिनों पहले शाहरुख ने किया था अनाउंस कि वो आनंद एल राय के साथ अपनी आने वाली फिल्म में चाहते हैं सलमान खान का कैमियो। और सोर्सेस की माने तो सलमान ने अपने दोस्त एसआरके की बात मान ली है। सलमान और एसआरके साथ कर सकते हैं इस फिल्म के लिए एक स्पेशल सॉन्ग शूट। 30 में 30। फैशनिस्टा सोनम वंस अगेन मेड हेड्स टर्न। राल्फ एंड रूसो के ऑटम विंटर कलेक्शन फैशन शो में सोनम रही शो स्टॉपर। इस इवेंट पर सोनम वॉक्ड द रैंप वेयरिंग अ ग्लिटरिंग सिल्वर हेविली एम्ब्रॉयडर्ड ब्राइडल गाउन। 30 में 30। If Vidya Balan's recent comments are anything to go by, then it's highly unlikely कि विद्या future में किसी भी तरह के cameo role में आएंगी नजर। विद्या ने कहा, I'm very selfish about my space in front of the camera. I want to play every role that comes my way and I can't do cameo appearances because little से मेरा क्या होगा। 30 में 30। श्रीदेवी की अपकमिंग फिल्म मॉम ने कर दिया है डॉटर जानवी को मूव। श्रीदेवी ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में शेयर किया मॉम देखने के बाद डॉटर जानवी का रिस्पांस। श्रीदेवी ने कहा, शी सॉ द फिल्म एंड डिडंट से अ वर्ड एंड शी हग्ड मी एंड वुड नॉट स्पीक अ वर्ड। आई फेल्ट गुड। 30 में 30। पीएम नरेंद्र मोदी की बायोपिक में परेश रावल करेंगे पीएम मोदी के कैरेक्टर को प्ले। इससे पहले इस बायोपिक के लिए अक्षय और अनुपम खेर का नाम भी सामने आया था, लेकिन अब परेश ने इस बायोपिक में अपने रोल को लेकर मीडिया से बात करते हुए कहा, इट विल बी वेरी चैलेंजिंग, यू हैव टू गो बियॉन्ड दैट मिमिक्री। इफ आई हैव टू मिमिक मोदी जी देन देयर आर मेनी पीपल हु कैन डू दैट। देयर इज नो मिमिक्री हियर, दैट्स व्हाई इट इज डिफिकल्ट। राइट नाउ आई एम मीटिंग हिम, सीइंग हिम, बट देन देयर इज अ प्रिपरेशन व्हिच हैपेंस व्हेन यू डिटैच योरसेल्फ। यू कांट प्रिपेयर बाय जस्ट सीइंग। 30 में 30। खबरों की माने तो संजय दत्त अपनी फिल्म भूमि की टीम से है नाराज। दरअसल संजू बाबा की इस फिल्म की अब तक ना कोई पोस्टर या फिर प्रोमो सामने आया है, जबकि वो चाहते थे कि जुलाई के फर्स्ट वीक में उनकी फिल्म का प्रमोशन जोर शोर से शुरू हो जाए। हम आपको बता दें, भूमि संजय दत्त की कमबैक फिल्म है। 30 में 30।
सैफ रीमा कागती के अपकमिंग प्रोजेक्ट मिस्टर चालू में नहीं आएंगे नजर। अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट, सैफ इस फिल्म से लास्ट मोमेंट पर कर गए हैं वॉकआउट। जब सैफ से इस बारे में किया गया सवाल तो सैफ ने इसका जवाब देते हुए कहा, मिस्टर चालू जस्ट डिडंट वर्क आउट, समटाइम्स इट्स मनी, समटाइम्स डेट्स, समटाइम्स समथिंग एल्स, आई फील इट्स नॉट डिसेंट टू डिस्कस द प्राइवेट एंड फाइनेंशियल डीलिंग्स विद अ प्रोड्यूसर इन पब्लिक। 30 में 30। अर्जुन रामपाल स्टारर डैडी की रिलीज डेट हो सकती है चेंज। जी हां, फिल्म मेकर से अरुण गवली की डॉटर गीता गवली ने की है ये रिक्वेस्ट। गीता चाहती हैं कि फिल्म डैडी को 21 जुलाई की जगह 8 सितंबर किया जाए रिलीज। इस रिक्वेस्ट की वजह बताते हुए गीता ने कहा, आई एम एक्साइटेड अबाउट द मूवी एंड आई फील दैट इट विल बी स्पेशल टू हैव इट रिलीज व्हेन माय डैडी इज आउट ऑन पैरोल। आई एम रियली होपिंग दैट ही गेट्स पैरोल इन सितंबर एज आई वांट द वर्ल्ड टू नो द रियल डैडी। 30 में 30। करण जौहर की अपकमिंग फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में मेल लीड के लिए जहां टाइगर का नाम हो चुका है फाइनल, वहीं फीमेल लीड के लिए अब एक नया नाम आ रहा है सामने। लेटेस्ट बात ये है कि इस फिल्म की फीमेल लीड में नजर आ सकती हैं चंकी पांडे की डॉटर अनन्या पांडे। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, अनन्या का नाम टाइगर के ऑपोजिट एक रोल के लिए हो गया है फाइनल। यानी करण जौहर की इस फिल्म से बॉलीवुड में अपना डेब्यू कर सकती हैं अनन्या। 30 में 30। डायरेक्टर मधुर भंडारकर की फिल्म इंदु सरकार का ट्रेलर जब से हुआ है रिलीज, तब से इस फिल्म का विरोध हो गया है शुरू। मधुर भंडारकर पर फिल्म रिलीज होने से पहले फिल्म में दिखाए गए कुछ कैरेक्टर्स के नाम को बदलने का दबाव भी डाला जा रहा है। मधुर ने इस बारे में बताते हुए कहा, देयर आर मेनी ऑब्जेक्शंस, द पॉलिटिशियंस हैव नॉट सीन द मूवी, दे हैव ओनली सीन द ट्रेलर एंड दे आर ऑब्जेक्टिंग सेइंग दे विल टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट मी, बट देन द फाइनल डिसीजन ऑन व्हाट टू रिटेन इन द फिल्म एंड व्हाट टू एडिट विल ओनली हैपन वंस द फिल्म इज सेंसर्ड। 30 में 30। नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी फिल्म मॉम की को-स्टार श्रीदेवी के बहुत बड़े फैन हैं। उनका कहना है कि अगर उन्हें किसी फिल्म के रीमेक में काम करने का मौका मिलता है तो उनके लिए डेफिनेटली वो फिल्म होगी मिस्टर इंडिया। नवाज ने कहा, देयर आर मेनी मूवीज ऑफ श्रीदेवी विच आई लव लाइक लम्हे, चांदनी, मिस्टर इंडिया, इंग्लिश विंग्लिश, बट आई वुड लव टू प्ले द रोल ऑफ मिस्टर इंडिया इन द रीमेक ऑफ द फिल्म। 30 में 30। एयरपोर्ट पर कल बॉलीवुड सेलिब्रिटीज नजर आए अपने कूल एंड कैजुअल अंदाज में। यहां हमने स्पॉट किया काजोल, कियारा आडवाणी, मनोज बाजपेयी, मलाइका अरोरा और रितेश देशमुख को। 30 में 30। सूरज पंचोली जहां हाफिज के लिए कर रहे हैं शूट, वहीं वो सितंबर में प्रभुदेवा की अनटाइटल्ड फिल्म की शूटिंग करेंगे शुरू। प्रभुदेवा की ये फिल्म सितंबर में शुरू होकर इस साल के एंड तक हो जाएगी कंप्लीट। जहां ये फिल्म हाफिज के बाद की जाएगी शूट, वहीं इस फिल्म को हाफिज से पहले कर दिया जाएगा रिलीज। 30 में 30। डीनो मोरिया को अपने वेकेशन पर मिला एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज। डीनो की हुई हॉलीवुड एक्टर जॉनी डेप से मुलाकात। इस मीटिंग का एक्सपीरियंस किया डीनो ने इस हार्टफेल्ट इंस्टाग्राम पोस्ट के साथ शेयर।